ठीक है, मैं जा रही हूँ। डायरी के साथ अच्छे से रहना, समझी? और तुम इस पर नजर रखना। डिनर पर मिलते हैं। टूडल्स। मैं बोर हो गई। डैडी, आप मेरे साथ खेलोगे? मैं इसका क्या करूं? इतना भारी था। मैं यहाँ पर और क्या कर सकती हूँ? वो मंकी ड्रेसेस तो देखो, ये वाली मेरी फेवरेट है। अरे वाह, ये देखो मॉम का सारा सामान। हे भगवान, ये तो खजाना है। क्या ये मुझे फिट आएगा? कूल। आखिरकार सब हो गया। एवा, ये तुम क्या कर रही हो? आपको अच्छा लगा? ये सारा सामान मॉम का है। याद रखना, मेरे सामान को हाथ नहीं लगना चाहिए। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं एवा को उसके लिए जूस दे देता हूँ और ये उसे फिट भी आएंगे। रिंग बनाने के लिए एक क्राउन के शेप बनाएंगे। और बाकी की शेप्स भी बनाएंगे। कितना बढ़िया स्टार है। आप अलग अलग रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे हार्ट्स बहुत पसंद आएंगे। इसमें तो रेड कलर ही होना चाहिए। बस हो ही गया। कितना सुंदर है ना। बीच में एक डॉट और इसके साथ रिंग अटैच हो जाएगी। देखो कितनी सारी है। और ये सब तुम्हारी है। कितनी खूबसूरत है ना। थैंक यू डैडी। और अब ये पहन लो। ये हुई ना बात। पेंटिंग तुम मेरी सबसे ज्यादा मनपसंद पेंटिंग हो। ग्रैंडपा, देखो तो मेरी पेंटिंग पर मत आ गिरना। सच में ये बहुत बुरा होने वाला था। अगर वो सच में इसके ऊपर लग जाते तो। जरा रुको, मेरे सूट जैकेट पर पेंट लग गया। मेरी पेंटिंग। नहीं। ओह, कितना बुरा होता। मैं तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। ओह, मुझे एक और अच्छा आइडिया मिला। एक्सक्यूज मी ग्रैंड्स, मुझे ये चाहिए। ठीक है, ये रहा हेयर स्प्रे। अब इसका काम शुरू करते हैं। मैं बस अपनी पेंटिंग पर एक लेयर बनाऊंगा। इसे पूरा कोट करने के लिए इतना काफी होगा। लो, और जब ये सूख जाए तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। देखो, हाथ पर बिल्कुल पेंट नहीं लगा। अब ये ग्रैंडपा के कुछ भी करने से हिलेगा भी नहीं। ओह, हे, तुम ठीक कह रहे थे। ये काम किया। मेरी जैकेट पर कुछ भी नहीं है। शुक्र है मैंने पहले सोच लिया था। अब मेरी पेंटिंग बिल्कुल सुरक्षित है। ये जगह ठीक लगती है। हाँ, यही तो चाहिए, पेड़ और नेचर। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या। हे, इस तरफ नजर मत डालो। जो भी हो, ठीक है तो मैं यही रहूंगा। मैं क्या पेंट करूं? बिंगो, वो कितना प्यारा है। बस डेविड उसे ना देख ले। मैंने वो पहले देखा। हाँ, जो सबसे अच्छा बर्ड पेंटर होगा वही जीतेगा। बस पहले कुछ सर्कल्स बनाएंगे। हमें लाइंस का ख्याल रखना होगा। बढ़िया है ना? थोड़ा कलर करते हैं। ये उभर कर आएगा। येलो कलर अच्छा रहेगा, है ना? और ये इस पर जरूर जचेगा। और अब थोड़ा ग्रीन करें। साथ में कितना अच्छा लग रहा है। अब ब्लू कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। पहले कोनों पर कर लेते हैं, ये सही रहता है। इससे ये आसान भी हो जाएगा, है ना? बस हो ही गया। बस कुछ फिनिशिंग टचेस और ये ऐसे किया जाता है दोस्तों। एक असली मास्टरपीस। कैसा लगा? हाँ, मुझे पसंद आया। ये क्या है?
मुझे अपने हाथ की जरूरत थी और हमें बस यही इस्तेमाल करना है। खैर, बस डॉट्स और लाइंस के लिए इतना ही काफी है। आपने बर्ड का चेहरा देखा, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। और अब यहाँ पर ब्रांचेस बनाएंगे। और प्यारे प्यारे छोटे पैर, थोड़ा ग्रीन कलर करेंगे, वो अच्छा लगेगा। अब दिख रहा है बर्ड। मैं कितने क्रिएटिव हूँ ना। खैर, तुम देखना ही चाहते हो तो देखो। ओह, ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। हम टीचर से पूछें। सच में बस वो ठीक हूँ। वो गहरी नींद में सो रहे हैं। हे, ओ, हो गया। ओ, बहुत अच्छे। अब बस मुझे 5 मिनट देना। हाँ तो ठीक है। एक और टॉयलेट पेपर ट्यूब। मेरे साथ आओ और मेरा टावर पूरा करो। हाँ, मेरा कैसल पूरा हो ही गया। बहुत खूबसूरत है। ग्रैंडपा, क्या आप यहीं हैं? मुझे मेरे ग्लासेस नहीं मिल रहे। मुझे उनके बिना कुछ नहीं दिखता। आप कह सकते हो कि मैं अंधा हूँ। ऐसे अपने हाथ मत हिलाओ। नहीं, मेरा प्यारा कैसल अब ये गिर गया है। मेरी इतनी मेहनत पर पानी फिर गया। सुनो, ये रहे तुम्हारे ग्लासेस। इसे लो और निकलो यहाँ से। आप उदास क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है? मेरे सारे सपने टूट चुके हैं। वो बहुत उदास है। हे, रुको, मैं ठीक कर सकता हूँ। गिर गई एक टॉयलेट पेपर ट्यूब। इसे फोल्ड करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगी। अब हम इसे सर्कल में काट लेंगे। परफेक्ट, जैसा सोचा था वैसा ही ये काम किया। अब अगला स्टेप, ग्लू गन की बारी। बस आखिर में हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। बढ़िया, अब हमें एक और रिंग चाहिए। ये वाली चलेगी। इसे हम दूसरे के साथ जोड़ेंगे। बढ़िया, मैं इसे ऐसा ही बनाना चाहता था। अब हम इस पे और रिंग्स लगाते जाएंगे। ये देखो, हमने रिंग्स का पूरा सर्कल बना दिया। अब हम इसमें और लगाएंगे, दो दो के बीच में एक एक। ये देखो, अब इस पिंक पेंट से इसे पूरा रंग देंगे। ग्रैंडपा, देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया। मुझे पता है आपको आर्ट बहुत पसंद है। क्या तुमने टॉयलेट पेपर ट्यूब से ये बनाया? हाँ बिल्कुल, और देखो हम इसे दीवार पर सजावट के तौर पर भी टांग सकते हैं। ये देखो, तो आपको कैसा लगा? ये बहुत जबरदस्त है, मुझे पसंद आया। ये अच्छी नहीं है, जाओ। मैं इतनी बदसूरत हूँ या वो बहुत ज्यादा बुरी है? जाओ। शायद उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। हाय। हाँ, जाओ। शायद मैं समझी नहीं। ओ, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आओ। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो ये लीजिए। काफी दिलचस्प है। तुम्हारी आंखें सुंदर हैं, बुरा नहीं है, खासकर ये अजीब सा एंगल। पर ओवरऑल ये बोरिंग है। नहीं, ठीक है, जाओ। अरे यार, इन फैब्रिक पैटर्न्स को तो देखो, तो उसे ये पसंद है। तो मैं कुछ अच्छा बना सकती हूँ। इस तरह की लाइन पैटर्न से शुरू करें। रुको, अब कॉन्ट्रास्टिंग कलर से एक नया डिजाइन बनाएं। दिलचस्प लग रहा है ना? पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। ये रंग साथ में अच्छे लगते हैं। और ये पूरा हुआ लगभग। ओह मिस, मैं इस बार नई पिक्चर्स के साथ आई हूँ। तुम दोबारा आ गई। भरोसा कीजिए, आपको इफेक्ट्स पसंद आएंगे। मैं
मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये तो काफी अनोखा है। हमारी एजेंसी यही ढूंढ रही है। तुम्हारा स्वागत है, बहुत बढ़िया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अब मैं मॉडल हूँ। मैं कुछ हैरान कर देने वाला बनाना चाहती हूँ और मुझे पता है क्या करना है। कॉम्प्लीमेंट पे हील्स बनाएंगे, पर अभी भी कुछ मिसिंग है। पर क्या? ओह, बॉल बहुत छोटी है। वो क्या कमाल की चीज है मॉम। ओ, अभी नहीं। ठीक है, आपके पास अभी पेंट बचा है तो फिर मैं इससे खेल सकता हूँ। थैंक यू। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ, मैं जरा ये ट्राई करती हूँ। हे, मेरी पेंट पैलेट कहाँ चली गई? डेविड, वो तुमने ली? एक्सक्यूज मी, देखो मैंने ये बनाया। मैं इसे कहूंगा पॉन्ड वाटर। हाँ, ओह समझ गए। तुम्हें फेस पेंट करना है, ट्राई करो डेविड। वो दोबारा, मजेदार है ना? हाँ बिल्कुल है ना। अगर मैं फिंगर से करूँ तो ये देखो अब ब्लू डॉट्स आएंगे। और अब मेरा फेवरेट कलर, हो गया। देखो मॉम। खैर, ये तो शानदार है, पर एक और ट्रिक ट्राई करते हैं। सिमेट्री भी खूबसूरत लगती है, और ये बात प्रूव करने के लिए हम ये आपके सामने बनाएंगे। कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई है। इस लाइन से इसमें जान आ जाएगी और विंग्स की आउटलाइन करेंगे। दूसरी साइड भी हो गया। देखो ये कितना प्यारा है, और अभी तो ये शुरुआत है बेटे। ये यान कैसे उलझ गए? वाह ग्रैंडमा, देखो। ओह नहीं, मेरी यान। ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, मेरा आर्ट, ये पूरा खराब हो गया। ग्रैंडमा, ये आपकी यान ने क्या कर दिया? रुको, यान यान बिल्कुल। ये पेंट में अभी से डूब चुकी है, मैं कर सकता हूँ। जी हाँ, ब्लैक पेंट कैनवस पर पहले से है, और अब लेंगे थोड़ी गोल्ड पेंटेड यान। मैंने कैनवस के ऊपर इसे लगा दिया है, थोड़ी और यहाँ लगाएंगे। तो चलो पूरे पीस पर। अब हम कुछ यान एंड टेप से जोड़ देंगे जिस पर पेंट ना हो। तैयार हो? चलो अब कैनवस को ऊपर की तरफ खींचो। ये देखो यान इसमें से निकल गयी। ये आर्टवर्क का पीस बहुत शानदार है, तुम ग्रैंडमा के बेस्ट आर्टिस्ट हो। ये मेरी अभी तक की सबसे अच्छी पेंटिंग है। वो बहुत खूबसूरत है, देखते हैं मैं उसे अपनी टैलेंट से इम्प्रेस कर पाता हूँ या नहीं। इस ब्लू से शुरू करेंगे। मुझे और भी रंग चाहिए होंगे, इस हार्ट में पिंक कलर करेंगे। देखो उसे इस पेंटिंग से मेरा मैसेज मिल जाएगा, शायद उसे ये पसंद आए। तुमने ये मेरे लिए बनाया है, निकलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। हाँ ये बकवास है। रुको, क्या? ओह नहीं, मेरे पूरे हाथों पर पेंट लग गया। आज का दिन बहुत ही बुरा जा रहा है। इससे पहले मैं गड़बड़ कर दूं, मैं पेंट धो लेता हूँ। साबुन तो चाहिए ही होगा। एक सेकंड रुको। वाह ये देखो, शर्ट पर पेंट लग गया है। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। ये रहा पानी का बोल और मेरा डिश सोप, और बिल्कुल मुझे थोड़ा पेंट भी डालना होगा। इसे पॉपस्टिकल स्टिक से मिक्स कर दे। तो चलो ये थोड़ा सर्ट सी हो गया है, पर हमें और बबल्स चाहिए। अब स्ट्रॉ से इसमें फूंक मारते हैं। वाह इन बबल्स को तो देखो, ये आए ही जा रहे हैं। जी हाँ तुम्हारा काम पूरा हुआ स्ट्रॉ। अब बबल्स पर पेपर रख देंगे और इसी तरह। वाह बबल्स पेपर पर आ गए। हाय मैंने तुम्हारे लिए ये कार्ड बनाया है।
तुमने ये मेरे लिए बनाया? वाह, मुझे पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। हे भगवान, मेरे साथ क्लास तक चलोगे? ये तो काम किया। चैलेंज शुरू करते हैं। हे भगवान, एक यूनिकॉर्न, मैं बहुत खुश हूँ। वो थोड़े शांत हो जाओ, मुझे कुछ नए लोग ढूंढने होंगे। तुम ये क्या कर रहे हो प्रिंस? मैं प्रिंसेस स्पार्कल्स हूँ, रेनबो किंगडम की रूलर। बिल्कुल, पर ये लुक तुम्हारे लिए अलग है। बस करो, तुम ये खराब कर रहे हो। चलो व्हील को घुमाए। कितना मजेदार है। हाथ इस्तेमाल नहीं करने, कोई बात नहीं। तो चलो, मैं अपने हाथ पीछे कर रही हूँ। ये अच्छा आइडिया है। मुझे लगा था ये मुश्किल होगा। बुरा नहीं है। हो गया, तो तुम्हें कैसा लगा? ये थोड़ा, क्या कहूँ। तुम्हें आर्ट के बारे में क्या पता है? मैं तुम्हें बताती हूँ यूनिकॉर्न कैसे बनाते हैं। मुझे स्केल देखने दो। ओ हाँ, मैं भी स्केल चेक करता हूँ। इतना यूनिकॉर्न सही रहेगा। ये क्या कर रहा है? मेरे पास एक प्लान है, इससे ये सब आसान हो जाएगा। ग्रिड पेपर की एक शीट लेते हैं और फिर यूनिकॉर्न बनाना शुरू करते हैं। ये अभी थोड़ा फनी लग रहा है, पर भरोसा रखें, ये अच्छा लगेगा। जब आउटलाइन पूरी हो जाए तो बीच में भरना शुरू करें। बहुत सारी डिटेल्स के साथ कुछ भी बनाना हो तो ये तरीका अच्छा है। ड्राइंग्स को नाप कर बनाने में ग्रिड पेपर आपकी मदद करता है और इससे ड्राइंग भी आसान हो जाती है। इसके साथ कलर करना भी कितना आसान है। चलो हॉर्न पर और कलर्स करते हैं। मैंने कहा था ना ये अच्छा बनेगा। लो, मेरा यूनिकॉर्न बन गया। इसे देखो, अच्छा है ना? तुमने ये कैसे किया? मतलब मेरे वाले के तो सिर्फ बालों में अलग अलग कलर्स हैं। कम से कम तुमने ट्राई किया। जानता हूँ। डर है। ठीक है, रोल करो। ओह, मैं हार गया। वाह, अब उसे घुमाने की मेरी बारी है। इसमें क्या आएगा? ओह, एक सरप्राइज। वाओ, चलने के लिए इसमें बहुत सी चीजें हैं। ओह, मुझे लगा ये कैंडी है। ये है क्या? इसे ड्रॉ करते हैं। आह, समझ गई। इस तरह ये मजेदार है। तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, ये इस तरह इस्तेमाल करो। इससे स्पाइरल बन जाएगा। आपको बस पेन को इस तरह घुमाना है, बाकी काम सर्कल्स खुद कर लेंगे। मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ। कितना कूल लगता है। हाँ, और कलर ट्राई करते हैं। देखा, इससे अलग पैटर्न बन रहा है। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात। वो ये तो हिप्नोटिक है। एशली, तुम ठीक तो हो? ये हो। हे, वापस आ जाओ। मैं समझ गया, इससे तुम जगोगी। ये काम करना चाहिए। सच में? मेरे आइडियाज खत्म हो गए। ओह, ये फेदर काम आ सकता है। वेकी वेकी। अच्छा, क्या हुआ? ओह हाँ, मेरे सर्कल्स। ये अच्छे लग रहे हैं। कितनी गहरी नींद आए। मैं कुछ अच्छा सुन लेता हूँ। हेलो, हे, मुझे सॉन्ग पसंद है, इससे मुझे डांस करने का मन करता है। पहन लिया। वुहू, मैं आज के दिन के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। शूज प्लीज। ओह हाँ, मेरी वॉक पर ध्यान मत देना, मुझे ऐसे करने में मजा आता है। आह, क्या खुशबू है। नेचर बेबी। हे, ये लियाम है, कैसे हो? एवा, हाय। रुको, नहीं लियाम, मत जाओ। वो मुझे क्यों बुला रही है? लियाम, रुको, वहाँ बनाना है। उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है ना?
ओह नहीं, वो सब ठीक है, मेरी मूव्स को कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन ओह, अरे यार, मेरे हेडफोन्स, मेरा अच्छा समय खत्म हुआ, अब मैं किससे सुनूंगा? इसके मुकाबले इसका बेस तो बिल्कुल खराब है, लेकिन मैं इसे खुद भी बना सकता हूँ, मुझे बस एक 3D पेन की जरूरत है। अब इसे फिल करेंगे, लाइन बाय लाइन बनाते जाएंगे। अब इसके ऊपर ये लगाएंगे, पेंसिल से साथ में जोड़ दें। जब ये सूख जाए तो इन तीनों पार्ट्स को साथ में जोड़ दें। इसे यहाँ पर चिपकाएं। लो, ये बिल्कुल सिक्योर है। लियाम, तुम ठीक तो हो? ओह हाँ, जरा ये देखो, अब मैं दोबारा गाने सुन सकता हूँ। फिर मिलते हैं। रुको, ये क्या है? ओह, ये कितना प्यारा है, एक छोटा सा जिराफ भी है। ये वाला मेरा है। ठीक है, तो फिर ये वाला मेरा हुआ। मेरा जुराब ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हिलना मत, मैं तुम्हें ड्रॉ करूंगा। अभी तक तो सब ठीक है। तुम क्या कर रही हो? मैं इसकी जांच कर रही हूँ। ओह, अच्छा आइडिया है। देखते हैं जस्टिन क्या कर रहा है। ये असली लग रहा है ना? मैं इसे जेरी बुलाऊंगा। ये जुराब तो नहीं लग रहा, ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसका नाम सही से लेना होगा। जरा रुको, एक आइडिया है। अगर मैं अपना हाथ ऐसे रखूं और इसके आसपास ड्रॉ करें, यहाँ इसका चेहरा बनाएंगे। ये बन गया जिराफ। चलो इसे कलर करें, ब्राउन कलर परफेक्ट रहेगा और बाकी की जगह येलो करेंगे। ध्यान से, यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब नेक की बारी। हो गया, शुक्रिया, मैंने ये सोचा। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। मुझे माफ कर दो जेरी। तुम ये रख सकते हो। थैंक यू। मुझे लग रहा है इस बार कुछ अच्छा आएगा। एक लव हार्ट, कितना प्यारा है। देखते हैं व्हील कौन घुमाता है। मैं थंब वॉर्स में माहिर हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ओह, जीतने ही वाला था, बस कुछ बुरा ना आ जाए। पेपर इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर मैं ड्रॉ कैसे करूंगा? ये तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। ये देखो, पहले मैं बीच में एक लाइन बनाऊंगी और एक और अब कुछ लाइन्स ऊपर और नीचे। इनके इस्तेमाल करने से पहले पेंसिल से गाइडलाइंस बनाना बढ़िया रहता है। जब बेसिक शेप बन जाए तो कोनों से गाइडलाइंस को इरेजर से मिटा दें। अब एक पेन ले और लाइंस के ऊपर ऊपर बना दी जाए, इससे एक बढ़िया 3D इफेक्ट मिलेगा। अब इसमें कलर करेंगे, याद से लाइंस के अंदर अंदर ही करना। जब ये हो जाए तो अंदर के कोनों पर शैडोइंग करें। ये एक आम पेंसिल से भी हो जाएगा। जहाँ भी आपको लगे कि शैडो हो सकती है वहाँ करते जाएं, या फिर जिस हिसाब से आपको लगे कि वहाँ लाइट आएगी। एक लव हार्ट बनाने के लिए ये अलग तरीका है, पर है बहुत बढ़िया। हो गया, तुम्हें कैसा लगा? वाह, मतलब ठीक ही है। मैं क्या इस्तेमाल करूं? समझ गया, मेरे हाथ। ये काफी बेसिक है, मैं कुछ तो कर सकता हूँ। समझ गया, ये हार्ट ही है। हाँ, ये कैसा रहेगा? ये हार्ट ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, माफ करना। ठीक है, अब तुम्हें कैसा लगा? अरे बस भी करो, मैं ये कर सकता हूँ। चलो फिंगर्स, मुझे निराश मत करो, मैंने ये कर ही लिया। मुझे बस रेड पेन चाहिए। एक फिंगर को दूसरे के ऊपर रखे और एक लव हार्ट बनाए। अब एक रेड पेन से इसे फिल कर दे। ये इतना भी बुरा नहीं है, मुझे पसंद आया, या फिर मुझे इससे प्यार हो गया। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, एक स्माइली फेस बनाते हैं। सच्चे प्यार के लिए एक और होना जरूरी है।
कितना रोमांटिक है, देखो। सच में? ओ, कितना प्यारा है। जरा रुको, मेरे पास भी एक आइडिया है। इसे खराब मत करना। बहुत अच्छा लगेगा। लो, ये हग कर रहे हैं। मैं बस रो ना दूं। ये बहुत प्यारे हैं। इसे घुमाऊं? नहीं, मेरी बारी है। ओ, ठीक है, हम गौर से पता लगाएं। तो ठीक है, थोड़ा समय लग जाएगा। रुक जाओ, हम दोनों ही इसे घुमा देते हैं। अच्छा आइडिया है। ओह, कैसे हो? बहुत मजा आएगा। रुको, हम कहाँ हैं? मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। वाह, मेरा पहला टैटू। वो तुम्हें बहुत जल्दी है, तो ठीक है। तुम पागल हो? बहुत जबरदस्त दिखेगा। गुदगुदी हुई। वाह, जरा इसे देखो। मैं अच्छा ही बनाता हूँ। ये थोड़ा अलग है। मुझे पसंद आया। इसे मुझसे दूर रखो। मम्मी, बचाओ। तुम्हारी बारी ब्रो। बिल्कुल नहीं, मैं प्रिंटर इस्तेमाल करूँगा। बटरफ्लाई को काट लेंगे, उसे रिस्ट पर इस तरह रखेंगे, इस पर आफ्टर शेव लगाएंगे और फिर प्रेस करेंगे। ये बन गया पेन फ्री टैटू। ये मुझ पर जच रहा है। वाह, हाँ जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा।